मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले दिनों श्री साधराम यादव की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। साधराम जी के परिजन आज न्याय मांगने के लिए आए हैं। प्रकरण में दोषियों की गिरफ्तारी हो गई है। साधराम जी के परिजनों की मांग है कि घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को मिल जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस घटना की जांच को एनआईए को सौंपेंगे ताकि घटना की सूक्ष्मता पूर्वक जांच हो सके। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा उपस्थित थे। पिछले दिनों साधराम यादव की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई और उससे कोई दुश्मनी नहीं था, फिर भी लोगों ने बिल्कुल निर्दयता पूर्वक गला रेत कर उसकी हत्या कर दिए और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और आज उनके परिजन, उनके तीनों भाई, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर न्याय मांगने के लिए हम लोगों के पास आए हैं। वैसे दोषीदार सब, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जिस निर्दयता के साथ हत्या हुई है साधराम यादव की, उसको देखते हुए परिजनों का मांग है कि उच्च स्तरीय जाँच हो और कड़ी से कड़ी सजा दोषीदार लोगों को मिले। तो आज मुख्यमंत्री के नाते हम परिजन को और हमारे गृह मंत्री भी स्वयं उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र की ये घटना है, आज धर्मलाल जी भी यहाँ पर समक्ष में हैं, तो हम इस जांच को एनआईए को सौंपेंगे ताकि मतलब सूक्ष्म इसकी जांच हो और अगर इसमें और भी किसी तरह का कोई बात हो तो भी सामने में आए। और इस तरह से नृशंस हत्या किए हैं तो हमको लगता है ये कोई व्यक्ति की हत्या नहीं लेकिन एक विचारधारा की हत्या है, तो इसकी सूक्ष्म जांच होनी चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिए एनआईए को सिफारिश करेंगे कि इसकी जांच वो करें।